गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गॉड ब्लेस यू और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ब्लूरी सर कॉमर्स क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं पढ़ा रहा हूं आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर और आज क्वेश्चन नंबर 57 को लेके प्रॉब्लम आई है और इससे पहले के पार्ट सारे मेरे यूट्यूब पे अपलोड है। जो फर्स्ट टाइम इस टाइम ये वाली वीडियो देख रहा है तो प्लीज पार्ट को जाके वो देख सकता है और चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। बहुत ही मेहनत से वीडियो बनाई जाती है और आप लोगों को घर बैठे बैठे मिल रही है, समझ लो यही आपकी फीस है, सब्सक्राइब और लाइक। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 57। बैलेंस शीट दे रहा है क्वेश्चन जे एंड के, हु द शेयर ऑफ प्रॉफिट रेशियो 3:2, एम ज्वाइन ऑफ द फर्म 1 अप्रैल 2024, हाफ शेयर ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट, यानी कि एम का शेयर फिक्स कर दिया इन्होंने कि एम को हाफ मिलेगा, कितना मिलेगा 1/2 हाफ शेयर मिलेगा। इसके लिए वो क्या कर रहा है, 1,00,000 गुडविल के दे रहा है, 3,00,000 कैपिटल के दे रहा है। ड्राफ्ट द जर्नल एंट्री एंड प्रिपेयर द बैलेंस शीट इन ईच फॉलोइंग केसेस, हर केसेस में आपको बैलेंस शीट बनानी भी आनी चाहिए। केस वन में कह रहा है इफ एम गेट्स हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ ओल्ड पार्टनर, सेकंड केस में कह रहा है एम गेट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इक्वल प्रोपोर्शन ऑफ ओल्ड पार्टनर, थर्ड केस में कह रहा है एम गेट ऑफ शेयर इन द रेशियो 3:1 द ओल्ड पार्टनर, डिटरमाइन द फ्यूचर रेशियो एंड ऑफ द पार्टनर इन ईच केसेस। तो केस वन ले लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 57 TS ग्रेवाल, केस वन। हर केसेस में इसकी एंट्रियां अलग अलग होंगी, बस आपको ध्यान रखना है। जल एंट्री तो सेम ही रहती है, सारा खेल किसका है, रेशो का, सेक्रीफाइसिंग रेशो और न्यू रेशो निकालने का, हर केसेस में चेंज दिया है। तो केस वन में क्या कह रहा है, एम गेट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट शेयरिंग रेशो इन द ओल्ड पार्टनर। केस वन में कह रहा है एम गेट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द PSR प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स। तो देखो M का शेयर है 1/2, ठीक है, और J और K का शेयर क्या है, J एंड K शेयर है 3:2। यहां तक समझ में आ गया क्वेश्चन, ठीक है। M क्या ले रहा है, इसी रेशो में अपना हिस्सा ले रहा है, ये जो 1/2 को इस रेशो में ले रहा है, ठीक है, अपने हिस्से को किससे ले रहा है, जे और के से 3:2 में ले रहा है। तो एम गेट 1/2 को 3/5 में किससे ले रहा है, फ्रॉम जे से, तो कितना आ जाएगा बताओ, 3/10 आ जाएगा। और M गेट 1/2 को ले रहा है 2/5 फ्रॉम किससे ले रहा है, क्या नाम है इसका, K, कितना आ जाएगा 2/10। तो J का शेयर क्या आ जाएगा, J का पहले शेयर क्या था, 3/5 था ना, 3/5 में से वो क्या माइनस करेगा, 3/10, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 10, 6-3 तो कितना आ जाएगा 3/10, यही आएगा ना। ऐसी K का शेयर क्या आ जाएगा, 2/5-2/10 इजिकल टू करो 10, 4-2 यानी कि 2/10। और इसका रेशो क्या हो जाएगा, क्या नाम है इसका, एम का, एम शेयर फाइव से ऊपर फाइव से नीचे, तो क्या हो जाएगा 5/10। तो न्यू रेशो क्या आ जाएगा, 3:5 यही आ रहा है।
325 आ गया केस वन का, समझ में आ गया? हाँ और ना बोलो फटाफट। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है? सैक्रिफाइसिंग रेशो। सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या होता है? ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो एम का शेयर, सॉरी जे का शेयर क्या आएगा? जे का ओल्ड रेशो क्या है? 3/5। और के का, के का शेयर बताओ 2/5। और न्यू रेशो के हिसाब से क्या बैठ रहा है इसका? 3/10। और इसका क्या बैठ रहा है? 2/10। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे? 10 6 माइनस 3/10, 4 माइनस 2/10। यानी कि रेशो क्या आ गया? तो सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या आ गया? 3:2। क्या मैं मान लूँ यहाँ तक समझ में आ गया क्वेश्चन? सबको सबको क्लियर हो गया? अब जनरल एंट्री पास करो। जनरल एंट्री क्या बनेगी बताओ? कैश अकाउंट डेबिट टू एम कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल। ठीक है, बताओ कितना है? 3 लाख तो कैपिटल है और 1 लाख गुडविल है, तो कितने लेके आ रहा है ये? 4 लाख। क्या मैं मान लूं यहां तक समझ में आ गया? ये समझ में आई एंट्री पहली वाली? ठीक है, दूसरी एंट्री में बताओ, प्रीमियम फॉर गुडविल को बांटेगा सैक्रिफाइसिंग रेशो में। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू सैक्रिफाइस पार्टनर। सैक्रिफाइस पार्टनर कौन है? जे इज कैपिटल अकाउंट और टू के इज कैपिटल अकाउंट। ये 1 लाख है, 1 लाख को किस रेशो में बांटोगे? बीइंग प्रीमियम फॉर गुडविल क्रेडिटेड इन सैक्रिफाइस पार्टनर जे एंड के इन सैक्रिफाइसिंग रेशो। कितना आ जाएगा? 60,000 और 40,000। क्या मैं मान लूं यहाँ तक समझ में आ गया सबको? क्लियर है? अब बनाना है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। क्या बनाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जे के एम, जे के एम। चलिए सबसे पहले बताओ इनकी कैपिटल, बताओ बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितनी कैपिटल दे रखी है? 1,50,000 और 1 लाख। 1,50,000 और 1 लाख, ये कितनी दे रहा कैपिटल? बाय कैश यहां तक समझ में आया? प्रीमियम फॉर गुडविल को बांटोगे तो क्या आ जाएगी एंट्री? बाय प्रीमियम फॉर गुडविल 60,000 और 40,000। कोई जनरल रिजर्व दिया हुआ है? दिया हुआ है 1 लाख का, तो बांटो 1 लाख का रिजर्व। और रिजर्व किस रेशो में बढ़ता है? ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो क्या है? 3:2। और रिजर्व कितना है? 1 लाख। 1 लाख को बांटोगे तो कितना आएगा? कितना सेम ही आएगा, 60 और 40। टोटल ग्रोव कितना आ रहा है? 3 लाख। और ये क्या आ गया? 1,80,000। और ये कितना आ रहा है? 2,70,000। ठीक है, यही बैलेंस आ जाएगा। तो बैलेंस कैरिड डाउन 2,70,000 और 1,80,000 और 3 लाख, यही आ रहा आंसर। हार्ड लग रहा है कोई? आसान है या हार्ड है?
आसान है, कंफ्यूज हो रहे थे बहुत ज़्यादा, थोड़ा सा करने की कोशिश करते तो हो ही जाता। ऑनलाइन वीयर्स का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए। केस टू है आपका, इफ एम गेट्स हिज शेयर ऑफ पार्टनर इन इक्वल प्रपोर्शन फ्रॉम ओल्ड पार्टनर, अपने हिस्से को वो इक्वली ले रहा है किससे, ओल्ड पार्टनर से। सिंपल सा फंडा है। तो एम का शेयर क्या है बताओ, 1/2, ठीक है, और वो किस कितना ले रहा है, वो इक्वल प्रपोर्शन में ले रहा है ओल्ड पार्टनर से, यानी कि अपने हिस्से का 1/2 का 1/2 ले रहा है, किससे ले रहा है, फ्रॉम जे, ठीक है, 1/2 का 1/2 ले रहा है फ्रॉम किससे, के से, तो बताओ कितना हो जाएगा, 1/4, 1/4। अब मुझे बताओ जे का शेयर क्या रह जाएगा, जे का शेयर क्या था, 3/5 था, और के का शेयर क्या था बताओ, 2/5, इसमें से ये वाला हिस्सा निकाल दो, 1/4, 1/4, तो कितना बचेगा इन दोनों के पास, 20, तो कितना आ जाएगा, 12 माइनस 7/20, 5 ही तो आएगा यहाँ, तो 7/20 नेट आएगा ना, मैं कह रहा यहाँ 7 कैसे आ जाएगा, चलिए 20 और यहाँ 8 और माइनस 5, तो कितना आ जाएगा, 3/20, ठीक है। और एम का शेयर बताओ क्या हो जाएगा, 1/2 को 10 से ऊपर, 10 से नीचे, कितना हो जाएगा, 10/20, तो रेशो क्या बन गया, न्यू रेशो 7/3/10, यही आ रहा है 7/3/10, बिल्कुल सही। अब सैक्रिफाइस रेशो निकालो क्या आ जाएगा बताओ, ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो, जे का शेयर और के का शेयर, जे का शेयर कितना है, 3/5, इसका है 2/5, और न्यू रेशो क्या है, 7/20, इसका है 3/20। अब बताओ यहाँ पे क्या आएगा, 20, 12 - 7, तो कितना जाएगा, 5/20, सही कर रहा हूँ, देखते जाओ, 5 × 4 = 12, ठीक है, यहाँ पे 20 आएगा, 8 - 3, तो कितना जाएगा, 5/20, यानी कि 1:1 आ रहा है, देखो सैक्रिफाइसिंग रेशो दिया नहीं है, कोई बात नहीं, दिया नहीं है तो हम केस में निकाल लेंगे, तो इसमें सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या आ गया इनका, 1:1, तो गुडविल जो है, ये देखो पहली एंट्री तो सेम रहेगी, पहली एंट्री क्या है, कैश अकाउंट डेबिट टू एम कैपिटल टू प्रीमियम फॉर गुडविल, और गुडविल की अमाउंट कितनी है, प्रीमियम फॉर गुडविल कितना है हमारा, 1,00,000, तो 1,00,000 को हम इक्वली बांट देंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या आ रहा है, 1:1। अब बना देंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, हैं नरेशन में इक्वल कर देते हैं, येलो चेंज कर देते हैं, जे के एम पर्टिकुलर, जे के एम सबसे पहले बैलेंस बताओ कितना है, 1,50,000 और 1,00,000, 1,50,000 और 1,00,000, उसके बाद इसकी कैपिटल है एम की, बाय कैश अकाउंट 3,00,000, बाय रिजर्व, रिजर्व 60,000 है,
और 40,000, ये रेशो बटा था ना पिछली बार। और फिर है प्रीमियम फॉर गुडविल 50,000 और 50,000, टोटल करो आप 3,00,000। और ये कितना आ रहा है, 1,90,000, 2,60,000, यही आंसर आ रहा। आंसर चेक करना सेम है, दो लाख साठ हजार, 1,90,000 और आ गया 3,00,000। बैलेंस शीट तो खुद ही बना लेना इसकी, सेम ही रहेगी। या बनाऊं बैलेंस शीट एक केस की, एक केस की बना दूं, है लास्ट केस की बना दूं। वैसे तो एक ही केस की बना लो, इसी में समझ लो, लास्ट केस की समझने की जरूरत ही नहीं है फिर। बैलेंस शीट सारे केसेस में एक जैसी बनेगी, ध्यान रखना, ठीक है, सारे केसेस में सेम ऐसे ही बनाना बैलेंस शीट। पहले वाले केस में मैंने नहीं बनाई तो तुम बना लेना उसको, सेम ही बनेगी बिल्कुल, ठीक है। ये वाले बैलेंस ले जाओ कैपिटल के, कैपिटल अकाउंट जे के एम कितना है, 2,60,000, 1,90,000 और 3,00,000। बैलेंस शीट का टोटल हर केसेस में सेम आएगा, ये ध्यान रखना। क्या लायबिलिटी में कोई क्रेडिटर्स दिए हुए हैं, देखना, रिजर्व तो खत्म ही हो गए। इसका टोटल करो, 7,50,000 आ रहा, नहीं आ रहा, टोटल करना। उधर दिखा दो कैश और अदर एसेट्स, आ रहा है अदर एसेट्स बताओ कितने की है, 1,50,000, ठीक है। अब कैश देखो, कैश कितना दे रखा है बताओ, 2,00,000 है, और एक एम की कैपिटल आई थी और एक आया था प्रीमियम फॉर गुडविल, कितना अमाउंट था ये, 4,00,000। तो 3,00,000 एक था, 1,00,000 एक था, ये हर केसेस में सेम रहेगा। एसेट्स का टोटल तो सेम ही रहेगा, 2 और 1 3 और 1 4, 3 और 2 5 और 1 6, ध्यान रखना। एसेट साइड तो हर केस में सेम ही रहेगी, हर बार कैपिटल चेंज होती जाएगी। केस वन की कैपिटल यहां लिख देना तो केस वन का आ जाएगा, केस टू की कैपिटल लिख दी मैंने ऐसी, केस थ्री की कैपिटल लिखना, बाकी ये सेम चाहिए रहेगा। अगले वाले केस में जब मैं कराऊंगा तो सिर्फ क्या लिखोगे आप, कैपिटल लिखोगे, आंसर सेम आ जाएगा, ठीक है। ऑनलाइन वेयर का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तीसरा केस और करा देता हूं। फाइनली केस थर्ड बहुत आसान है, ये कह रहा है एम गेट हिज शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:1 ओल्ड पार्टनर। जनरलिटी तो सेम ही रहेगी, हमें गुडविल को चेंज करना है, कैपिटल अकाउंट भी सेम ही रहेगा, सिर्फ प्रीमियम फॉर गुडविल की अमाउंट चेंज होगी, बैलेंस शीट सेम रहेगी, सिर्फ कैपिटल अकाउंट आएगी यहाँ पे, ठीक है। तो केस समझते हैं, ये कह रहा है अपना हिस्से को 3:1 में ले रहा है, तो एम का जो शेयर है वो कितना है बताओ, 1/2, और एम गेट हिज शेयर 3/4 फ्रॉम किससे ले रहा है, जे से, एंड 1/4 किससे ले रहा है, फ्रॉम के से, ठीक है। तो देखो कैसे आएगा, जे से कितना ले रहा है, 3/4 का, सॉरी एम का जो शेयर है उसका 1/2 का 3/4, 3/8 फ्रॉम किससे ले रहा है, जे से। एम का जो शेयर है उसका 1/2 का 1/4 किससे ले रहा है, फ्रॉम के। तो जे का शेयर क्या रह गया, 3/2, और के का शेयर क्या है, सॉरी 3/5 है ना इसका, और इसका कितना है 2/5, मैं इसे ये माइनस कर दो, 3/8 और 1/8 कितना जाएगा ये बताओ, 40, 8 या 24,
24 क्या 15 कितना जाएगा बेटा 9/40 और इसका बताओ कितना आएगा 16-5 कितना जाएगा 11/40 और m का जो शेयर है वह है 1/2 डिनोमीटर सेम करने के लिए 20 से ऊपर 20 से नीचे तो कितना जाएगा 20/40 तो न्यू रेशो क्या आ रहा है बताओ क्वेश्चन में 9, 11, 20 और सेक्रीफाइसिंग रेशो क्या आएगा ओल्ड माइनस न्यू और j का शेयर बताओ 3/5 और k का शेयर था 2/5 अब इसका क्या निकालोगे 9/40 और इसका निकालोगे 11/40 बताओ कितना आएगा 40 मान लेते हैं 24-9 कितना जाएगा 15/40 और ये 16-11 कितना तो आई एम 5/40 तो 15:5 या 3:1 तो गुडविल जो बटेगी वो 3:1 में बटेगी और वैसे भी यहाँ पे दे रहा है 3:1 में बांटना है सेक्रीफाइसिंग रेशियो ऑलरेडी निकाल के दे ही रखा है बट फिर भी हमने निकाल दिया 3:1 अब 100,000 को 3:1 में बांटो केस पहला केस तो सेम ही रहेगी एंट्री दूसरे केस में बताओ 3:1 बांटो 100,000 को 75,000 25,000 ये तो यही आ जाएगा 75,000 और 25,000 तो ये टोटल तो ऐसे एज इट इज उतारो कितना आ जाएगा बेटा ये 1,65,000 2,85,000 2,85,000 1,65,000 और 3,00,000 चलिए यहां तक समझ में आ गया सबको ठीक है और यही वाली बैलेंस शीट में यहां उतार दो 2,85,000 यही आ रहा थर्ड केस 1,65,000 और 3,00,000 आई होप समझ में आ गया होगा ऑनलाइन व्यूअर्स का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिए और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें बेल आइकन को प्रेस कीजिए रात को 9 बजे एक वीडियो मेरी जरूर आती है और कई बार दिन में भी आ जाती है 1:30-2 बजे के आसपास पर आपको ये वीडियो देखने के लिए जरूर मिलेगी डेली आएगी एक वीडियो और एक शॉर्ट्स भी मेरा कई बार आता है एग्जाम में एग्जाम के लिए भी आता है और अच्छे शॉर्ट्स रहते हैं थैंक यू वेरी मच चैनल को लाइक सब्सक्राइब करने के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए लव यू ऑल वंदे मातरम जय भारत